केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि अग्रवाल, मैं आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर आते हैं आज के किसी खास खबर पर। दुमका की उपायुक्त राजेश्वरी बी पंचायतों में शौचालय व स्वच्छता मिशन के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने शुक्रवार को दुमका जिला के मसलिया प्रखंड स्थित रांगा पंचायत पहुंची। बताते चले कि रांगा पंचायत सांसद आदर्श ग्राम की सूची में है। इस पंचायत का विकास 15वें वित्त आयोग की राशि से ग्राम सभा से पारित योजना के मुताबिक किया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि जो भी विकास की योजना ग्राम सभा द्वारा पारित होगी उसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी भी बहुत से लोग शौचालय का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें प्रेरित किया गया है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से अन्य योजनाओं की जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अभियान का कार्य मिशन मोड में किया जाए। इस अवसर पर उपायुक्त ने ग्रामीणों से बात भी की। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। हम लोग मसलिया प्रखंड के रांगा पंचायत में आए हुए हैं और यहाँ पे जो स्वच्छ भारत का कार्य है और प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य है उनको देखा गया। कई लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग टॉयलेट इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन कई बेनिफिशियरीज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उनको मोटिवेट किया गया है कि वो यूज़ करें और स्थानीय ग्रामीण के साथ अन्य समस्याओं का चर्चा किया गया। तो उनके द्वारा बताया गया कि पानी का किल्लत है, तो जिला प्रशासन के द्वारा इस विषय पे काम किया जाएगा और ओवरऑल जो ये ग्राम को आदर्श ग्राम बनाया गया है, सांसद आदर्श ग्राम के सूची में ये शामिल है, तो आने वाले दिनों में इसमें और भी योजनाओं को लिया जा सकता है और 15 फाइनेंस के तहत स्थानीय ग्रामीण के द्वारा जैसे योजना पारित होगा उनमें भी कार्रवाई की जाएगी।